एवरीवन, वेलकम टू स्वाद खट्टा मीठा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ यम्मी रेसिपी। अगर आपके घर में लेफ्टओवर रोटी बची हो तो आप इनको उससे भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी फ्रेश रोटी से भी इनको बना सकते हैं। तो आपको बनाने के लिए बस क्या करना है, झटपट से कढ़ाई को गर्म करना है और उसमें डाल देना है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, ये केवल एक चम्मच के करीब है। इनको अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पे कुछ पाइन चॉप किए हुए सब्जियाँ रखी हैं। वेजिटेबल मैंने लिया है प्याज, गाजर, शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पे दो चम्मच शिमला मिर्च ली है, लाल वाली और एक हरी वाली। अगर आपके पास कोई एक ही अपने बोलो तो आप उसको भी ऐड करें, या फिर आपको जो सब्जियाँ पसंद हो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, और जो पसंद ना हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी भी यूज़ किया है, हरा मटर भी यूज़ किया है। अगर आपको हरा मटर की जगह कॉर्न यूज़ करना है तो आप कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। तेल गर्म हो जाने के बाद हमने इसमें प्याज को ऐड कर दिया है, और प्याज को इनको रोटी फ्राई कर लेना है, या फिर आप इनको ट्रांसपेरेंट फ्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर और कटे हुए शिमला मिर्च, लाल वाले और हरे वाले। मैंने थोड़े थोड़े से ही यूज़ किए हैं, आधे कप के करीब। इससे आपकी टोटल 4 से 5 कटोरी बन के तैयार हो जाती है। ये मैंने देखिए इसमें ऐड कर दिया है पत्ता गोभी। इससे हमारी सब्जियों में बहुत ही अच्छी क्रंचीनेस आएगी, और सब्जियों को जल्दी से पका लेने के लिए इसमें डाल देंगे नमक। और पहले हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर को मैंने पहले ही ब्लांच कर लिया था, अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें नमक डाल के इनको पका लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, क्रंचीनेस पे ही रखें, इससे आपके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं। अब कुछ मसाले इसमें भी हम ऐड कर देंगे। तो मसालों में मैंने ये ऐड किया है कुछ सीक्रेट मसाला, जिसकी रेसिपी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं यूनिक तरीके से बास्केट चाट की रेसिपी। अगर आपके घर में बची हुई रोटी हो तो आप उनसे भी बना सकते हैं इनको। अगर आपके घर में कोई भी खाना बचा हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए और जाके देखें कि हमने बचे हुए खाने से कितनी नई तरह की रेसिपी क्रिएट करके तैयार की है। इस रेसिपी को आप अपने बच्चों को भी बहुत आराम से खिला सकते हैं। अगर जो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, आप उनको इस न्यू स्टाइल से सब्जियां खिलाइए, आपके बच्चे खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको ऐड कर दिया है जीरा पाउडर, चाट मसाला। आपको सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब जाके देख लीजिएगा। अमचूर पाउडर मैंने डाला है यहाँ पे, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है, और हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे कुछ सीक्रेट मसाला। तो आप सब हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आप सबके पास कोई रेसिपी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आप सबके लिए वो रेसिपी लेके आऊँगी। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो या फिर कोई टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल जाए कि आप अपने घर में सब्जियों को कैसे खिला सकते हैं सभी को। तो जो लोग पसंद ना करते हो सब्जियाँ खाना, या फिर जो लोग रोटी खाना पसंद नहीं करते, आप उनको यूनिक तरीके से रोटी और सब्जी दोनों बना के खिलाइए, सभी खाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, हमारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं, मसाले भी हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ग्रीन चिली की क्वांटिटी आप इसमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, आप अगर जिंजर गार्लिक में कुछ स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से सॉटे कर लिया है, जिससे हमारी सब्जियाँ ज़्यादा पकी भी नहीं और क्रंचीनेस पे भी रही हैं। तो इनको ठंडा होने के लिए मैंने एक साइड रख लिया है। अब कटोरी चाट के लिए हमें कटोरी कैसे बनाना है, तो उसके लिए पहले हम कुछ तैयारियाँ कर लेंगे। तैयारियों में हमको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ग्लास ले लेना है। नॉर्मली आप जो घर में यूज़ करते हैं ग्लास, आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ग्लास ले लिया है, और थोड़ा सा धागा ले लिया, और ये हमारी बची हुई रोटियाँ हैं। अब इनको हमको क्या करना है कि इसके ऊपर धागे को इस तरह से लपेट लेना है, जिससे ये कटोरी का शेप आ जाएगा। ध्यान रखिए कि आप इनके निचले भाग में थोड़ा सा चाकू से छेद कर दें, जिससे आपकी रोटियां अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएंगी। इनको पहले इस तरह से अच्छे से पकड़ लें, और फिर धागे की सहायता से इनको बांध दें। आप ज़्यादा इनको टाइटली ना बांधें, नहीं तो ये बाद में खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम करेगी। आप इनको हल्के हाथ से ही अच्छे से बांधते हुए 4 से 5 बार बस फोल्ड कर दें। इससे आपकी कटोरी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी, और जब फ्राई हो जाएगी तो निकलने में भी बहुत ही आसानी रहती है। तो इस तरह से मैंने देखिए कटोरियों को बना के तैयार कर लिया, और धागे को मैंने साइड से थोड़ा सा टाइट करके तोड़ दिया है। तो ये देखिए, हमारी कटोरी बन के तैयार हो गई। अब ये डीप फ्राई करने के लिए रेडी है। मैंने एक कढ़ाई में घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब घी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम इस ग्लास को इस तरह से डाल देंगे, और इनको ऐसे छोड़ देंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि साइड में थोड़े से कच्चे हैं, क्रिस्पी नहीं हुए, तो आप इनको थोड़े से इसके ऊपर तेल उछालते हुए अच्छे से डीप फ्राई कर लें।
ध्यान रखना यह है कि आपकी रोटियां जले ना, बस क्रिस्पी होनी चाहिए। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखें, हाई ना करें, जिससे आपकी रोटियां जल जाएंगी। लो फ्लेम पे ही सारी रोटियों को क्रिस्पी करें, इससे बहुत ही अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है आपकी रोटियों में। और इस तरह से मैंने ऊपर वाले भाग को भी क्रिस्पी करने के लिए तेल उछाल के इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। रोटियों को चारों साइड से क्रिस्पी होने तक इनको क्रिस्पी कर लें और फिर इनको बाहर निकाल के रख दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तभी आप इनके धागे को निकालें, नहीं तो ये फिर टूट जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। कटोरी चाट के लिए कटोरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इनका जितना भी एस्ट्रो ऑयल है वो हम थोड़ा सा टेढ़ा करके अच्छे से निकाल देंगे और इस तरह से इनको ठंडा होने के लिए साइड रख दी। और दूसरे ग्लास में मैंने एक रोटी को और फोल्ड करके फ्राई करने के लिए रख दिया है। इनको ठंडा होते हुए 2 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे रोटी ठंडे होने के बाद कितनी अच्छे से धागे को छोड़ देता है। तो इस तरह से आप धागे को अपने हाथ में ही फोल्ड कर ले, आप फिर दूसरी रोटी में भी इनको लगा के यूज़ कर सकते हैं, धागे को वेस्ट ना करें। तो इस तरह से देखिए मैंने सारी धागे को बाहर निकाल लिया और एक साइड रख दिया है। और रोटी को जब आप निकालें तो अपने हल्के हाथों से नीचे वाली साइड को पकड़े और ऊपर एक ग्लास को थोड़ा सा घुमाते हुए निकाल लें। तो ये देखिए कितनी आराम से कटोरी हमारी बाहर हो गई है और इनमें निकालने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगा। अभी इनको आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए, जब तक ये बहुत ही अच्छे से ठंडे ना हो जाए तब तक आप इनको इसमें सर्व ना करें। तो ये ठंडे होने के लिए बाद और भी क्रिस्पी हो जाते हैं, जिससे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने एक के बाद एक और रोटियों को फ्राई कर लिया है। ये देखिए हमारी कटोरी चाट के लिए कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। खाने में तो बहुत ही क्रिस्पी थी, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। तो आप सभी इस ट्रिप्स को अपने घर पे ज़रूर अपनाएं। तो आइए इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी कटोरी ठंडी हो जाती है तब तक हम प्लेटिंग की भी तैयारी कर लेते हैं। जिस प्लेट में हमको इनको सर्व करना है मैंने वो प्लेट भी निकाल के रख लिया है। मैंने यहाँ पे कुछ चटनियाँ भी तैयार करी हैं, जिसमें मैंने दही की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, आम की चटनी मैंने इसमें सर्व किया है और साथ में मैंने इसमें धनिया की चटनी यूज़ किया है। तो अगर आपको चटनियों की रेसिपी चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी, आप सब जाके चटनी की रेसिपी ज़रूर देखें। तो आइए प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से इनको सर्व करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले कटोरी लिया है, कटोरी के अंदर मैंने सारे वेजिटेबल को भरा है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी वेजिटेबल्स आपको खाने पसंद है। मैंने इनको इस तरह से स्टफ कर दिया है। स्टफिंग के बाद मैंने इसके ऊपर लगा दिया है धनिया का चटनी, ये तीखी वाली धनिया की चटनी है। इसके ऊपर से मैंने खट्टी मीठी या आम की चटनी डाली है और फिर इसके बाद से मैंने डाला है खट्टी मीठे दही की चटनी। ये घर की दही है तो इतनी ज़्यादा ये खट्टी नहीं है, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाल रखी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, साथ में इसमें मैंने जीरा पाउडर वगैरह डाला है। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा सा ये तंदूरी फ्लेवर हो जाता है। तो अगर आपको तंदूरी फ्लेवर वाली चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब जाके वहाँ पर ज़रूर देखें। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा मैगी मसाला। अगर आपको सीक्रेट मसालों की रेसिपी चाहिए तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब जाके देख लें। आप या फिर मैगी मसाला भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, धनिया पत्ती डाल के इनको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी यूनिक रेसिपी बनके तैयार हो गई है ना, बिल्कुल यूनिक। हमारी वेजिटेबल्स कटोरी चाट की रेसिपी आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। आप सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस बास्केट चाट की रेसिपी आप अपने किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर पार्टी में यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब भी अपने घर पे इनको ज़रूर बनाएं, झटपट से बनके तैयार होने वाली रेसिपी है ये और खूब सारे वेजिटेबल्स के साथ बनाया गया है, हेल्दी भी है, साथ में यम्मी भी है, माउथ वाटरिंग है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करना ना भूलें।